दूसरी बड़ी खबर का रुख करते हैं। गुर्जर आंदोलन को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई है। सरकार की तरफ से कोर्ट में पेश हुए मुख्य सचिव और डीजीपी से कोर्ट ने पूछा कि अब तक कोर्ट के आदेश का पालन क्यों नहीं हुआ। कोर्ट ने फटकार में क्या कुछ कहा है वो भी आपको दिखाते हैं। कोर्ट ने पूछा कि रेलवे ट्रैक और NH-11 को अब तक खाली क्यों नहीं कराया गया है। सरकार की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि जबरन अगर ट्रैक खाली कराते हैं तो हिंसा हो सकती है और इसीलिए शांतिपूर्ण समाधान के लिए इस वक्त बातचीत की जा रही है। कोर्ट में सरकार के प्रतिनिधियों से यह भी पूछा गया कि जब गुर्जर खुद ही ट्रैक खाली करने के लिए तैयार हैं फिर सरकार ने अब तक इस मामले पर क्या किया है। इस पर मुख्य सचिव और डीजीपी कुछ भी जवाब नहीं दे पाए, यानी कि गुर्जर आंदोलन का जो मामला है उसमें फटकार लगी है कोर्ट की और कोर्ट ने साफ तौर पर पूछा कि कोर्ट के फैसले को अब तक क्यों नहीं पूरा किया गया, कोर्ट ने जो बातें कही थी उसका पालन क्यों नहीं हुआ। अदालत ने इस मामले में राज्य की कानून व्यवस्था की जो स्थिति है, जो चरमराई हुई है, उस पर दोनों आला अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। साथ ही ये कहा कि अब तक कानून व्यवस्था बनाने के लिए क्या कदम उठाए राज्य सरकार ने उस बारे में बतावें और कल तक राज्य सरकार के इन दोनों नुमाइंदों समेत रेलवे विभाग से इस बारे में शपथ पत्र पेश कर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है और ये पूछा है कि अब तक इस बारे में आपने क्या क्या कदम उठाए प्रदेश की कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। लोग परेशान हैं, सड़कें जाम है, रेलवे ट्रैक जाम है, आमजन को कितनी परेशानी हो रही है, उस बारे में क्या किया। अदालत ने इसके साथ ये भी कहा कि पिछले 10 साल से गुर्जर समाज जो आरक्षण की मांग कर रहा है उस बारे में अब तक और ये मामला माननीय अदालत में लंबित है, इस बीच आपने क्या कदम उठाए। इस पर राज्य के मुख्य सचिव ने अदालत को अवगत कराया कि इस बारे में उच्च स्तरीय बैठक चल रही है, 4-5 मरतबा गुर्जर प्रतिनिधियों के साथ में बैठक की जा चुकी है और सरकार सकारात्मक कदम उठा रही है। अदालत ने इस दौरान ये भी कहा कि आप आला अधिकारियों को ये फटकार लगाते हुए कहा कि सचिवालय में बैठे बैठे बस समीक्षा कर रहे हैं, आप फील्ड में जाके काम क्यों नहीं कर रहे हैं, और इस मामले पर कल पुनः सुनवाई होगी, राज्य सरकार से हेल्पनामा मांगा। तो कोर्ट ने सरकार को फटकार लगा दी है, लेकिन दूसरी तरफ आज फिर से सरकार और गुर्जर नेताओं के बीच पांचवें दौर की बातचीत होगी। इस बैठक में आज किरोड़ी सिंह बैसला भी शामिल हो सकते हैं। बैठक में शामिल होने के लिए बैसला जयपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। इससे पहले कल चौथे दौर की भी बातचीत बेनतीजा रही थी। गुर्जर नेताओं और सरकार के बीच कोई समाधान नहीं बन पाया है। आइए आपको सुनाते हैं जयपुर रवाना होने से पहले किरोड़ी सिंह बैसला ने क्या कुछ कहा, उनसे बातचीत की है हमारे संवाददाता जसवंत सिंह ने। जयपुर वार्ता के लिए कर्नल बैसला समाज की अनुमति लेके यहाँ से रवाना हो रहे हैं। कर्नल साहब हमारे साथ, कर्नल साहब आप जयपुर वार्ता के लिए जा रहे हैं, कुछ सरकार से बुलावा आया था या किस तरह से क्या बुलावा आया था? चार बार वार्ता हो चुकी है, विफल लगातार रह रही है, वहाँ से जो वार्ता रही उसमें क्या कुछ निकल के अब तक सामने आ रहा है? आप ये सब दोनों पार्टियों के एटीट्यूड के ऊपर निर्भर करता है। मेरा एटीट्यूड, मेरा दृष्टिकोण सदैव पॉजिटिव रहा है और मैं पॉजिटिव बात करने में विश्वास रखता हूं। अगर कोई चाहे सच्चे मन से काम करे और इच्छा शक्ति हो तो क्या असंभव है। कुछ वो झुके, कुछ हम झुके और हम कोई ऐसा हल ढूंढे जिससे इस समाज को लाभ हो और प्रदेश में शांति हो, आवागमन चालू हो और विकास का कार्य गति पकड़े। आपकी तरफ से क्योंकि लगातार 5% की मांग पर वहां पर जो समाज के लोग अड़े हुए थे, आपको लगता है इस पर कुछ बीच का कोई रास्ता निकालेंगे आप? अवश्य निकलेगा और हमें 5% मिलेगा, सरकार देगी। आखिर कब तक सरकार मना करेगी? हमारा हक है और सब कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं और बुद्धिजीवी भी कह रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं मिलेगा हमें हमारा हक। कोर्ट की तरफ से भी एक आदेश आया हुआ है, उसमें भी खाली कर हम कोर्ट की आज्ञा का पालन करते हैं ट्रैक खाली करने के लिए। अच्छा ये होता कि माननीय हाईकोर्ट सरकार से भी कुछ कहता और निर्देश देते कि ये लोग 11 वर्ष से संघर्ष कर रहे हैं, इनका निस्तारण क्यों नहीं हो रहा है, इनको हक क्यों नहीं मिल रहा है। यदि माननीय हाईकोर्ट इस बात को पूछता सरकार से तो बहुत अच्छा रहता है। कोर्ट लगातार ट्रैक खाली करने के लिए बोल रही है, आवागमन सुचारू, लोग परेशान हैं। ट्रैक खाली करने का सवाल है, कोर्ट सर्वमान्य है। ट्रैक खाली कर देंगे, रोड जो जाम लगा सर्वमान्य है। यह है कर्नल बैसला जो कि जयपुर में हो रही वार्ता के लिए यहां से रवाना हो रहे हैं। इससे पहले 11 सदस्य टीम लगातार सरकार से वार्ता करेगी। कर्नल बैसला ने कहा है कि कुछ सरकार झुकेगी, कुछ गुर्जर समाज झुकेगा और बीच का रास्ता कुछ निकलेगा, जिससे कि जो आंदोलन जो हो रहा है, जिससे लोग परेशान हो रहे हैं, उसका कुछ रास्ता निकलेगा, लेकिन समाज के को जो हक है वो उनको हक मिलना चाहिए। सहयोगी मनमोहन सिंह के साथ जसवंत सिंह, इंडिया न्यूज, पीलूपुरा, बयाना।
पांचवें दौर की बातचीत होने वाली है, लेकिन अब तक जो आंदोलन हुआ है उससे किस तरह से यात्री परेशान हुए हैं और रेलवे को नुकसान पहुंचा है वो आपको बताते हैं। आंदोलन की वजह से रेल यात्री बुरी तरह से परेशान है क्योंकि गुर्जरों के आंदोलन की वजह से रेल रूट प्रभावित है। पिछले 6 दिनों में 164 ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है, 109 ट्रेनों के रूट बदले गए हैं। कल मुंबई से दिल्ली जाने वाली 11 ट्रेनें रद्द कर दी गई, 4 ट्रेनों का रूट बदला गया और कुल मिलाकर रेलवे को 80 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। आंदोलन की वजह से कई ट्रेनें अभी भी 10 से 12 घंटे की देरी से चल रही हैं और इससे खासी परेशानी लोगों के लिए खड़ी हो रही है।